हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, क्रिप्टो मार्केट से कुछ न्यूज़ आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करता हूं, इस बार भी करूंगा। न्यूज़ कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, जो कि मतलब आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक ज़रूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक कमेंट यहाँ पर ज़रूर करेंगे। तो जो न्यूज़ हैं दोस्तों, वो मैं बाद में आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं कि आपको पता चलेगा कि एक्सचेंजेस पर जहाँ पर हमारे फंड्स पड़े हुए होते हैं, मतलब जो भी एक्सचेंजेस हैं जिनको हम सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस कहते हैं, लाइक बाइनेंस, वजीरेक्स, कॉइनबेस, एफटीएक्स, क्रिप्टो.कॉम था, ये जितने भी हैं, ये मतलब एक्चुअली काम किस तरह करते हैं, ये सारा कुछ जो है वो आपको यहाँ पर पता चलने वाला है कि हमारे फंड्स को ये यूज किस तरह से करते हैं, मतलब ये अपने प्रॉफिट्स किस तरह बनाते हैं, हमें क्या देते हैं, या फिर मैनिपुलेशन जो है वो मार्केट के अंदर ये लोग किस तरह से करते हैं, वो सारी चीजें मैं आगे चलकर आपको बताने वाला हूं। और ग्रे स्केल को लेकर एक पॉजिटिव न्यूज है, वो भी आपको यहां पर पता चलेगी, लेकिन उससे पहले बिटकॉइन पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, अगर आपको कहीं किसी एक्सचेंज पर अकाउंट बनाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप मेरे रेफरल के तौर पर वहां पर बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एक्सचेंजेस पर अकाउंट्स अपने जो है वो बना रखे हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे बीटीसी पर, और ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जो कैंडल है ये वीक की कैंडल है और ये चल रही है। मेरा ख्याल है कि ये वापस जाकर मे बी पॉसिबली ये यहाँ पर जो है वो क्लोज हो जाए। और ये जो येलो लाइन मैंने बनाई हुई है, ये बन रही है 226,874 पर। ये मैंने आज की नहीं रखी हुई, मतलब ये बड़े दिनों के बाद मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर ये खोल के चार्ट देखा, तो ये मैंने कब का रखा हुआ था और बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ पर अभी नजर आ रहा है। प्राइस जो है वो इन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस के अंदर ही चल रहा है, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मतलब वंस अगेन वहीं पर प्राइस आया हुआ है जहाँ पर मैंने पहले कभी ये येलो लाइन बनाई हुई थी। तो इस चीज के चांस अभी भी हैं कि वापस जाकर प्राइस जो है वो यहाँ पर रुके, और अगर ऐसा होता है तो फिर चांस इस चीज के होंगे कि वापस थोड़ा बहुत प्राइस जो है वो जाए। अगर $26,000 पर चला जाता है तो फिर $27,500 या $28,000 तक, अट्ठाईस थोड़ा मेरा ख्याल है कि मुश्किल हो जाएगा, लेकिन $27,000 से $27,500 तक प्राइस जो है वो जाने के चांस होंगे। उसके बाद वंस अगेन जो है वो वापस आ सकते हैं, और ये मतलब मे बी नेक्स्ट वीक के अंदर हो जाए। लेकिन यहाँ पर मार्केट की जो कंडीशंस हैं, वो फाइनेंशियल हालात दुनिया के जो चल रहे हैं और उन पर असर है, पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल हालात का जो कि हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक करके पैदा कर दिए हैं, उनका असर जरूर होगा। वहां पर आपको नजर जरूर रखनी होगी, अगर वहां पर कुछ बहुत बड़ा हो जाता है तो यहां पर भी कुछ बहुत बड़ा आपको किसी वक्त नजर आ सकता है। और हमारे वैलेट्स के अंदर जो पैसे पड़े हुए हैं वो हमें मतलब एक रात में एक घंटे के अंदर कम होते हुए नजर आ सकते हैं। आल दो के कॉइन्स उतने ही होंगे, जब उनका प्राइस बढ़ेगा तो ये आपको ऊपर जाते हुए भी नजर आ सकते हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि मैं ग्रे स्केल के बारे में आपके साथ यहाँ पर चीज जो है वो शेयर करूंगा, एक पॉजिटिव न्यूज है। उसके बाद हम चलेंगे एक्सचेंजेस यहाँ पर क्या कुछ कर रही हैं, और कुछ न्यूज इस तरह की आई है कोर्ट में ट्रायल्स जो है वो चल रहे हैं एफटीएक्स को लेकर, वहां से कुछ न्यूज है तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। ये है कि व्हाट हैपेंड इफ एसईसी डजंट अपील ग्रे स्केल स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ रूलिंग। बात क्या है, बात यह है कि पॉजिटिव साइन इस चीज के मिल रहे हैं कि ग्रे स्केल की जो एप्लीकेशन पड़ी हुई है एसईसी के पास स्पॉट ईटीएफ बिटकॉइन की, ठीक है, वो एक्सेप्ट हो जाए बहुत ही जल्द। क्योंकि मतलब कोर्ट से भी कुछ इशारे इस तरह के मिल रहे हैं कि जज भी ऐसा समझ रहे हैं कि इनको इजाजत दे देनी चाहिए, एसईसी क्यों नहीं दे रहा, मतलब वो उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि भैया आप इन चीजों को जो है वो जल्दी जल्दी डिसीजन लेने की कोशिश करो और ये चीजें जल्दी हल करो, ठीक है। तो ये जो अपील की बात यहां पर ऊपर टॉप पर लिखी हुई थी, इसका मतलब ये कि क्या इसके अगेंस्ट ये जो जज ने इस तरह के कुछ रिमार्क्स दिए हैं, कुछ बात की है, उसके अगेंस्ट एसईसी जो है वो जा सकता है कि भैया हमें छोड़ दो जज साहब, हम अपने हिसाब से काम करें और क्रिप्टो को पनपने ना दें, बढ़ने ना दें, लोगों को लॉसेस ही होने दें, मतलब कुछ इस तरह कर सकते हैं ये लोग। बहरहाल तो ये अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, ठीक है। बात यह है कि मैं थोड़ा पॉजिटिवली इसको लेता हूं और आपके साथ कुछ चीजें शेयर करता हूं कि सबसे पहली बात यह है कि एक डेडलाइन है एसईसी के पास, अगर वो डिले भी करता है तो बहुत ज्यादा देर तक नहीं कर सकता, उसको या तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी या फिर रिजेक्शन का उनको ऑर्डर देना पड़ेगा कि भैया आपकी जो अपील्स हैं, सॉरी आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो हम रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर वो रिजेक्ट होती हैं तो उस तरह की जो के जो असरात हैं मार्केट के ऊपर आएंगे, लेकिन इस चीज़ के चांस बहुत कम हैं कि ये चीज़ें एसईसी जो है वो रिजेक्ट कर पाए। और अगर एसईसी ऐसा नहीं कर पाता तो फिर क्या करेगा, 75% चांस है इस चीज़ के 2023 के दिसंबर तक, मतलब पॉसिबली कहीं पर भी ये जो ग्रे स्केल का ईटीएफ एप्लीकेशन है
ये एक्सेप्ट हो जाए, एससीसी इसको कर दे, ठीक है। और लेकिन अगर मतलब हम 2024 के अंदर चले जाते हैं तो फिर जो चांस है वो 95% तक चले जाते हैं। और ये कौन कह रहा है? ब्लूमबर्ग के जो रिसर्चर्स हैं जो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर, उनका ऐसा मानना है कि 2024 के अंदर बहुत ज़्यादा चांस जो हैं वो बन जाएंगे कि एससीसी इसको एक्सेप्ट कर दे। और उसके बाद क्या होगा कि अगर एससीसी ग्रे स्केल की ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर देता है तो बाकी ब्लैक रॉक की क्यों नहीं करेगा? अगर ब्लैक रॉक की हो जाती है तो बाकी जो भी इंडिसीज हैं, बहुत सारे इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन दी हुई हैं, उनकी भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब ये मतलब कब होता है वक्त बताएगा। मेरा ख्याल है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है या फिर टेक्नोलॉजी को मतलब जो एक एक्सेप्टेंस होती है टाइम के हिसाब से, अल्टीमेटली जो लोग नहीं भी कर रहे होते एक वक्त में आकर सबको करना पड़ता है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर ये ज़रूर है कि फाइनेंस की दुनिया के अंदर भी जो मतलब एक बड़े वक्त से तब्दीली नहीं आई। आप देखें बाकी चीज़ों के अंदर जो तब्दीली आई है टेक्नोलॉजी को लेकर, वो फाइनेंस के अंदर उस तरह से अडॉप्ट नहीं हुई। तो ये वो वक्त आ चुका है कि अब फाइनेंस की दुनिया के अंदर भी टेक्नोलॉजी को लेकर एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो बाकायदा दिखने वाला जो चेंज है वो आ जाए। लेकिन इन सारे चेंजेस को जो चीजें रोकती हैं, क्रिप्टो की ग्रोथ को जो चीजें रोकती हैं, वो होते हैं स्कैम्स दोस्तों, ठीक है, फड्स एंड फियर्स और क्रेशेस, ये सारी चीजें जो है वो अच्छे तरीके से इसको रोकती हैं। यहां पर 2021 के अंदर बड़े बड़े एनालिस्ट ये कह रहे थे कि बिटकॉइन का प्राइस जो है $100,000 तक चला जाएगा। हम भी कह रहे थे, हम ऐसा सोच रहे थे और जाते हुए देख भी रहे थे। अचानक से हमने देखा कि $69,000 के बाद जो वो प्राइस ऊपर नहीं जा सका और वापस आया। अच्छा, हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो $69,000 से पहले उसने जो हाई बनाया था वो $64,000 पर बनाया था, उसके बाद वापस आया था प्राइस 28,000 समथिंग पर। वहां से अगर प्राइस ऊपर आया तो 69 पर से नीचे क्यों आ गया? ये एक बहुत बड़ा मतलब हम सबके लिए सवाल था कि क्योंकि 64,000 एंड 69,000 में कोई फर्क नहीं है। इतने चेंज के लिए, इतने चेंज में ही इन्वेस्टर्स में इतना फियर पैदा हो गया कि यहां पर सेलिंग शुरू हो गई, इस चीज के चांस बहुत कम थे। दैट्स व्हाई दैट टाइम हम ये सोच रहे थे कि ये मतलब वो क्रैश नहीं है जो कि एक्सपेक्ट किया जा सकता था एक बुल रन के बाद। मतलब हम ये सारे सोच रहे थे और हम सोच रहे थे कि अभी भी प्राइस ऊपर जाएंगे, क्योंकि $64,000 के बाद प्राइस जब ऊपर आता है तो इन्वेस्टर्स ही लेकर उसको आते हैं ना, वही पैसे वहां पर लगाते हैं, तो उन्होंने पैसे लगाए। लेकिन जस्ट प्राइस जो वो $69,000 पर पहुंचा और वहां से फियर पैदा हो गया कि भैया अब जो वो गिर जाएगा, प्राइस गिर जाएगा और फिर वहां से सेलिंग शुरू हो गई, ये पॉसिबल नहीं था। अब ये ठीक है $69,000 से पहले, क्योंकि ये है कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एक बनती है $70,000 की, तो उसके करीब जाने के बाद करेक्शन तो पॉसिबल हो सकती थी, लेकिन बाकायदा तौर पर ये जो क्रेश पैदा हुआ और फियर मार्केट के अंदर आ गया, ये नहीं होना चाहिए था। उसके अंदर FTX का एक बहुत बड़ा रोल बताया जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ चीजें रिवील हो रही हैं कि डिड SBF, ठीक है, ये जो मतलब CEO थे FTX के, उनका शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है। वेल, कहा यह जा रहा है, कुछ लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने बाकायदा तौर पर किसी के हाथों सेलिंग करवाई अच्छी खासी, जब प्राइस वहां तक पहुंचा तो इन्होंने कहा कि बिटकॉइन को सेल करते रहो अबाव द 20,000 प्राइस, ठीक है, मतलब जब तक BTC का प्राइस 20K के ऊपर ही रहता है तो आप सेलिंग करते रहो, उसके नीचे चले जाए तो आप सेलिंग करना बंद कर दो। और अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर यहां पर सेलिंग करवाई गई थी अकॉर्डिंग टू सम पीपल, जो कि मतलब ऐसा कह रहे हैं, ठीक। तो ये एक न्यूज थी। अब ये जो मैं आपको बात कर रहा था शुरू में कि मैनिपुलेट किस तरह करते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल यहां पर आपको देता हूं, इसी के साथ रिलेटेड है। आप यहां पर देख सकते हैं कैरोलाइन एलिसन सीक्रेट रिकॉर्डिंग ऑफर्स ट्रॉव ऑफ एक्सप्लोसिव रिविलेशन। इसके अंदर क्या है, मतलब कुछ रिकॉर्डिंग्स सामने आई हैं अल्मेडा की, क्योंकि अल्मेडा और FTX का आपस में एक मतलब बिजनेस रिलेशनशिप था। इवन यहां तक दोस्तों चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि अल्मेडा को एक्सेस थी FTX के जितने भी फंड से उनके ऊपर, और वो FTX के पास अपने फंड तो थे नहीं, आपके हमारे मतलब लोगों के पड़े हुए थे, तो वो जितने भी फंड लोगों के वहां पर पड़े हुए थे अल्मेडा उनको वहां से लेकर यूज कर सकता था। इसका मतलब समझते क्या होता है, मतलब ये होता है कि हमें जो डिजिट्स एक्सचेंजेस पर नजर आते हुए, फॉर एग्जाम्पल आपको नजर आते हैं कि मेरे यहां पर $10,000 पर पड़े हुए हैं, ठीक है,
तो वो मे भी हो ना, सिर्फ आपको नंबर्स वहां पर शो हो रहे हो, जितना प्राइस ऊपर जाए उतना आपका जो हो पैसे भी आपको बढ़ते हुए नजर आ जाए कि भैया हाँ ठीक है देखो प्राइस ऊपर चला गया तो मेरे पैसे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उतने पैसे वो आपके वहां पर हो ही ना, आपके पैसे कोई और यूज कर रहा हो, जिस तरह से यहां पर अल्मेडा को एक्सेस थी FTX के ऊपर, ठीक है, वो वहां से फंड लेता था और कहीं और जाकर वो बोरिंग करता था, वहां से वो प्रॉफिट बनाता, कुछ हिस्सा FTX को देता, कुछ खुद रख देता, मतलब वो इस तरह से अपना बिजनेस चला रहे थे। जैसे ही मार्केट के अंदर एक क्रेश आया तो यहां पर उन्होंने जो पैसे लगाए हुए थे, मतलब बिटकॉइन लिया था, इथेरियम लिया था, बाकी कॉइन जो लिए थे, वो जो पैसे लगाए हुए थे उनके उनकी प्राइसेस जो वो बहुत ज्यादा डाउन हो गई, तो फिर यहां पर प्रॉब्लम पैदा हो गई। सिर्फ ये नहीं है कि इनके जो सीईओ हैं FTX के, उन्होंने फंड्स को जाकर मैनिपुलेट किया है और खुद यूज किया है पर्सनल लाइफ के लिए, लेकिन यहां पर ये सारी चीजें भी हैं। तो कंपनीज और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मिलकर ये सारा कुछ कर रहे होते हैं, और इनके FTX के अंदर जो एम्प्लॉयज थे जो कि काम करते थे, उनकी भी कुछ स्टेटमेंट्स इस तरह की सामने आई हैं। वो ये बता रहे हैं कि मतलब जब पूछा गया मीटिंग के दरमियान कि भैया ये जो पैसे अब चले गए हैं, जो कि मतलब एक स्पेस पैदा हो गया, पैसे है ही नहीं जस्ट लोगों के, फॉर एग्जाम्पल वहां पर अगर मतलब 10 बिलियन होने चाहिए थे तो $10 बिलियन वहां पर है ही नहीं, ठीक है, लोगों के तो इतने डिपॉजिटेड हैं, तो अब ये पैसे जो डिफरेंस आ गया कुछ मिलियंस का हो सकता है, बिलियंस का हो सकता है, ठीक है, वो कहाँ गया? वो ये कह रहे थे कि हम पैसे राइज करेंगे यहां से वहां से लेंगे और लोगों को भर के देंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल इनके लिए अब नहीं था क्योंकि लोग और पैसे यहां पर लगाने के लिए FTX पर तैयार नहीं थे। बात एक्चुअली हुई ये कि बाइनेंस को जो सीईओ है उनको कहीं से पता चल गया, उन्होंने ट्विटर पर डायरेक्टली पोस्ट डाल दी, वहां से ये सारा सीन दोस्तों शुरू हो गया। उन्होंने ये तक इवन नहीं सोचा कि इस सारी चीज का हमारी खुद की जो एक्सचेंज है फाइनेंस उसको भी नुकसान हो सकता है। अब ये कहें कि उन्होंने गलत किया या सही किया, मेरा ख्याल है कि सही ही किया, अगर यहां पर कुछ बुरा पीछे हुआ था आल दो के उसका असर भले उनकी खुद की एक्सचेंज पर भी आता, लेकिन अगर वो खुद ऐसा कुछ नहीं कर रहे तो दूसरों को जो है वो नंगा कर सकते हैं कि भैया आप ये गलत कर रहे हो, और ये सारी चीजें जो है वो अगर सही तरीके से चलना शुरू हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि जितनी इन्वेस्टमेंट्स क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इस वक्त तक आती हैं या आई हुई हैं इसका बहुत ज्यादा परसेंटेज बढ़ सकता है, मतलब मेरा ख्याल है कि 10x होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहरहाल चीजें ऐसा ऐसा मेच्योर होती हैं तो ये इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजी भी ऐसा ऐसा मेच्योर जरूर होगी, आल्दो कि ये जरूर सोचना चाहिए समझना चाहिए कि टिल दी एंड इसके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो उनको हमको फेस जरूर करना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त भी जिस फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर हम जी रहे हैं इसके भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके साथ हम जी रहे हैं, हमारे जो है वो डाके भी लग जाते हैं, पैसे गुम भी हो जाते हैं, गिर भी जाते हैं, और पानी में अगर गिर जाए तो भी खराब हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें पेपर करेंसी के साथ बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो डिजिटल करेंसी के साथ नहीं है, लेकिन डिजिटल करेंसी के कुछ अपने प्रॉब्लम है तो वो भी साथ रहेंगे और ऐसा ऐसा हल भी होंगे। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप जुड़े रहें। चेक करता।